आजकल गांव में ये बीमे की बड़ी चर्चाएं हो रही हैं, जबकि सरकार ने डिस्पेंसरी और सरकारी अस्पतालों में इतनी सुविधाएं दे रखी हैं, फिर ये बीमे की क्या जरूरत है? बात तो आपकी सच है हरिराम जी, लेकिन कुछ स्वास्थ्य सेवाओं के लिए आपको बीमे की जरूरत नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आपका स्वास्थ्य पर कोई खर्चा ही नहीं है। अब आप एक बात बताइए कि जरूरत की सभी सुविधाएं हमेशा आपको मिल जाती है, क्या उस पर आपका कभी कोई खर्च नहीं आता? दवाइयों और बीमारी की जांच के ऊपर जो खर्च आता है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? लेकिन इसमें हम सबका शामिल होना क्यों जरूरी है? अगर हम शामिल नहीं होंगे तो क्या होगा? जरा सोचो, एक अमीर आदमी हमारे गांव में और वो सभी को एक एक सोने का सिक्का देने को तैयार है, लेकिन उसे एक शर्त है कि वो सिक्का तभी देगा जब सभी लोग तैयार होंगे। अब बताओ, सभी लोग तैयार होंगे? जरूर होंगे। ठीक इसी तरह से स्वास्थ्य बीमा भी एक सोने का सिक्का है, लेकिन ये तभी मिलेगा जब हम सब लोग इकट्ठे होंगे। अब क्रिकेट मैच को भी पाकिस्तान के खिलाफ सचिन तेंदुलकर अकेला मैच में हो और दूसरी तरफ हो पाकिस्तान की पूरी टीम, तो क्या वो जीत पाएगा? बिल्कुल कभी नहीं जीत पाएगा। वह नहीं जीत सकता क्योंकि वह अकेला है। हम तभी जीत सकते हैं जब हम एक साथ हैं, और यही बात हमारे गांव पर भी लागू होती है। अगर हम एक साथ होंगे तो हम मजबूत होंगे। स्वास्थ्य बीमा में हम जितने ज्यादा होंगे उतनी ही हमारी भागीदारी बढ़ेगी और हमारी जड़ें ज्यादा मजबूत होगी। इसीलिए तो हम सबको इसके साथ जुड़ना होगा। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, मैं पैसा क्यों दूं जबकि मैं स्वस्थ हूँ? बीमा में हमेशा ऐसा ही होता है, बीमा बीमार होने से पहले ही होता है ताकि बीमारी होने पर आप इसका फायदा उठा सकें। कोई भी नहीं जानता कब बीमार पड़ जाए, जब कोई हादसा आ जाए, जब कोई बीमारी आ जाए। बीमा होने पर आप बीमारी पे होने वाले खर्च से सुरक्षित हो सकते हैं। और हाँ, यदि तुम बीमार नहीं पड़ते तो तुम्हारे हिस्सेदारी का लाभ दूसरों को मिलेगा, उनकी सेहत पे होने वाले खर्चों में उन्हें सुरक्षा मिलेगी। इस तरह से हम सब मिलकर अपने आप को गरीबी से उठा सकते हैं। जब हम सब एक साथ होंगे तो हम मजबूत होंगे, और सबसे बड़ी बात तो ये है जब तुम स्वस्थ होगे तो तुम्हारे पैसे दूसरों के काम आएंगे, और जब तुम बीमार होगे तो दूसरों के पैसे तुम्हारे काम आएंगे। मतलब जब जिसको जिसकी आवश्यकता होगी तब उसके काम आएगी। अगर मैंने अपने पैसे का दावा नहीं किया तो मेरा पैसा तो गया। कौन कहता है तुम्हारा पैसा गया? तुम्हारा पैसा कहीं नहीं जाएगा, तुम्हारा पैसा तुम्ही लोगों पे खर्च किया जाएगा। अगर इसकी आवश्यकता तुम्हें आज नहीं पड़ी तो ये आने वाले वर्षों के लिए सुरक्षित रख लिया जाएगा, ताकि कभी अगर ढेर सारे लोग बीमार पड़े तो उनकी सहायता हो सके। हो सकता है इसकी जरूरत तुम्हें भी आज पड़े। दीदी, हमारे पास तो इनको देने के लिए कुछ भी नहीं है, तो इससे हम जैसे गरीबों का कैसे भला होगा? तुम जानती हो कि बीमा हमारे लिए कितना ज्यादा जरूरी है? क्या कभी तुमने स्वास्थ्य पर होने वाले खर्चे का सामना नहीं किया? क्या तुम्हें सारी स्वास्थ्य सुविधाएं मिली हैं जो तुम्हारे लिए जरूरी थी? देखो, दूसरों की तरह तुम भी कभी बीमार पड़ सकते हो, और ऐसी स्थिति में तुम्हें तत्काल सहायता की जरूरत पड़ेगी। गरीबी का एक कारण अचानक स्वास्थ्य पर होने वाला खर्चा भी है, और बीमा तुम्हें इस अचानक होने वाले खर्चे से सुरक्षा प्रदान करता है। देखो, यदि हम में से कोई भी अपनी हिस्सेदारी चुकाने में अगर सक्षम नहीं है तो वो कहीं और से भी सहायता प्राप्त कर सकता है, चाहे वो जहाँ पे वो काम करता हो उसका मालिक ही क्यों ना हो, जो आपके समय समय पर आपको होने वाले खर्चों में आपकी सहायता करता हो। हम गरीबों के लिए सरकार पैसा क्यों नहीं भरती? बहुत अच्छा प्रश्न है, लेकिन हमें क्या जरूरत पड़ी है कि हम दूसरे से सहायता प्राप्त करने के लिए इंतजार करें, जबकि हम अपनी परेशानियों को खुद दूर कर सकते हैं? ये कौन करने जा रहा है? हम किसके ऊपर विश्वास करें? हम करेंगे, हम सब मिलकर करेंगे। इसमें हम सबका बराबर का योगदान होगा, और हम ही लोग ये निर्णय लेंगे कि हम में से पैसा इकट्ठा कौन करेगा। हमारे द्वारा चुना गया प्रतिनिधि वही सबका भुगतान भी करेगा, और जिसकी जानकारी वो हम सबको देगा।